अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर, जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ, कोई भी परेशानी आपको आ रही है तो आप ज़रूर जो है लोगों के सामने उस परेशानी को रखें, MSC वगैरह या फिर किसी भी तरीके से आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, आपकी परेशानी का हल मिलेगा। तो ऐसे ही एक खबर आ रही है निकल के, उसके हवाले से बात करेंगे। रफ्तारी चेकिंग वीजा ट्रांसफर के हवाले से हम बात करने वाले हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी जैसे कि आपको मालूम है जो है काम शुरू हो चुका है वीजा ट्रांसफर को लेकर। तो पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 300 से ज्यादा लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया है और उनके प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं पूरे तरीके से। वो जो लोग हैं अपने काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं, जो खादम टू वर्क वीजा में या फिर 18 नंबर वीजा में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में जाना चाहें, किसी भी जगह काम करना चाहें, तो आप आराम से उस कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं और इस चीज़ का बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलने वाला है और ये काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, एक इंडियन बंदे को काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, भेड़ बकरी चराता था, उसने एक वीडियो बनाया, छोटा था क्लिप, और उसके अंदर जो भी परेशानियाँ थी उसको बताया और उसके बाद में उसने सोशल मीडिया पर उसको डाला। अब जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट, इंडियन एम्बेसी ने वो वीडियो देखा, लोगों ने देखा, उसके बाद में इंडियन एम्बेसी ने लोगों की मदद से जो है उस बंदे को देखा, छानबीन करी कहां पे वो परेशान है, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में उस बंदे को बुलाया, बुलाने के बाद में पूरी तहकीकात करी कि जेन्युइन इसको परेशानी है, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में इंडियन एम्बेसी ने उसका पूरा जुम्मा लिया और उसके बाद में उसकी जो घर की परेशानी थी उसको दूर किया और उसको फाइनली जो है घर को आने का मौका मिल गया। तो मैंने आपको काफी समय से ये चीजें बोल रहा हूं, अगर आपको कोई परेशानी है किसी भी चीज को लेकर तो आप जरूर सोशल मीडिया पर आ सकते हैं और चीजों को बता सकते हैं। अगर आपके लायक होंगी तो मदद आपकी इंडियन एम्बेसी, हर कंट्री की एम्बेसी जो करेगी, लेकिन वीडियो में आपको जेन्युइन चीजें बतानी होगी क्योंकि जब चीजें क्लियर की जाएंगी और जब छानबीन होगी तो उसमें वो चीजें पाई जानी चाहिए जो आप बता रहे हैं। तो उस बंदे की मदद की उसने, फिर बाद में शुक्रिया अदा करा इंडियन एम्बेसी का। अब बहुत ही जल्दी वो अपने देश वापसी करेगा और वो परेशान काफी समय था कुवैत के अंदर। तो आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपने डाल सकते हैं और उसके बाद में आप अपना जो भी है इस तरीके से कामकाज करा सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो कुवैत के अंदर अभी गर्मी हो रही है काफ़ी ज़्यादा और तापमान भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है, टेम्परेचर वगैरह। तो इस चीज़ को लेकर मिनिस्ट्री ने बताया है कि आप जो भी वर्कर काम वगैरह करते हैं खुले में, धूप में, तो वो लोग जो है सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक बीच में काम ना करें। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानियाँ हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगे और उससे आपकी मौत भी हो सकती है। और बाकी लोगों पर, कंपनियों पर जुर्माना भी है अगर वो लापरवाही करते हैं, किसी भी तरीके से आप इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को, इन कानूनों को, तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुवैत के अंदर रहते हैं तो सावधानी से रहें, सतर्क रहें और किसी भी तरीके से आपको कोई परेशानी है तो आप अपने एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करके मदद लें और वीडियो भी आप बना सकते हैं। जिस तरीके से मैं वीडियो बना के बोल रहा हूं, बता रहा हूं चीजों को, इसी तरीके से आप अपनी परेशानी को शेयर कर सकते हैं, उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। जैसे वो वीडियो वायरल होगा तो आपकी मदद की जाएगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली वालों का ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।